नमस्कार दोस्तों, रुचि की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश का मौसम हो, पकौड़े खाना किसे पसंद नहीं आता, लेकिन भजिया खा के बोर हो चुके हैं, तो आज हम ब्रेड से बनी नई रेसिपी लेके आ रहे हैं आपके सामने, जिसे आप पसंद करेंगे, बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए हमने एक बॉयल लिया है, एक कप बेसन लिया है, एक मीडियम साइज कटी प्याज, एक हरी मिर्च हमने बारीक काट लिया है, एक टमाटर लिया है इसको भी हमने बारीक काट लिया है, कुछ हरी धनिया के पत्तियां लिए हैं, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, इसको हम मिला लें पूरा। और पानी डालेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे, ज्यादा पतला नहीं करना है, इसको हम अच्छी तरह मिला लें एकदम। बैटर हमारा बन चुका है, मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसको हम रख दें। गैस को हमने ऑन कर लिया है, अब इस पे हम रखेंगे पैन। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे, इसमें तेल बहुत कम लगता है। बैटर हमारा सेट हो चुका है, अब इसमें हम 4 ब्रेड लिए हैं, इसको हम डुबो लेंगे अच्छी तरह दोनों तरफ से। हमने इसको अच्छी तरह डुबो लिया है, अब इसको हम 2 मिनट के लिए पैन में सेकेंगे। 2 मिनट के लिए दोनों तरफ सेकेंगे ताकि हमारा ब्रेड अच्छे से पक जाए, कुरकुरा हो जाए, खाने में भी अच्छे लगे। 2 मिनट हो चुका है, अब इसको हम पलट देंगे, दोनों साइड हम 2-2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसका नाश्ता बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बहुत जल्दी बन जाता है, इसको दबा दबा के सेकें ताकि प्याज का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देखिए एकदम सेक चुका हमारा, अब हम दूसरा डालेंगे, इसको भी हम उसी तरह सेकेंगे। इसमें बहुत कम समय लगता है बनाने में। हमारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसको मीठी चटनी के साथ सर्व करिए या तीखी चटनी के साथ, लेकिन हम मीठी चटनी लिए हैं। एकदम कुरकुरा बना है, आप देख सकते हैं। इसको आप शाम के समय नाश्ते में यूज कर सकते हैं, चाय के साथ बहुत बढ़िया लगता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए नमस्कार।